हरियाणवी लोक संस्कृति का महाकुंभ रत्नावली का समापन हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पिछले चार दिन से आयोजित हरियाणवी सांस्कृतिक समारोह रत्नावली का रंगारंग कार्यक्रम आज समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे। शिक्षा मंत्री का इस मौके पर विधिवत रूप से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया और समापन समारोह पर उत्कृष्ट आने वाली सांस्कृतिक टीमों को शिक्षा मंत्री ने सम्मानित भी किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रामविलास शर्मा ने कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय के प्रारूप के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद जो फिलॉसफी हैं, उनकी विद्या है, जो साहित्य है, उन सबको संकलित करके बच्चों को शिक्षा देंगे और यह यूनिवर्सिटी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। रामविलास शर्मा ने कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी में हरियाणवी लोक विद्याएं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उनको समायोजित किया जाएगा और जल्दी हम हरियाणा में एक फिल्म सिटी भी बनाने जा रहे हैं। देखिए प्यार में चार दिन सरस्वती कंकार में जमुना घाघर धार में हमारा बसे देश हरियाणा से के संगीत, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की विरासत, हरियाणा की धरोहर और हरियाणा का जो कृषि है, दिल्ली मंडल देश बसानी हरियाणा कहलावे, बादल जमन मध्य विचारे बड़ा जोर घाघर मध्य हरियाणा समझ विचारो भाई, हरियाणा आनंद बनाया जहाँ दूर दही सुखदाई पर प्रस्तुत कर रहे हैं लक्ष्मीचंद की जो हरियाणवी भजन कलाकार हैं शुभम विधा है। इसमें जो हरियाणा का सांग विधा है, जो पंडित लक्ष्मीचंद का जो साहित्य है, जो बहुत फिलोसफी है उनके साहित्य में, उनको संकलित किया गया है और उनकी जो विधाएं हैं उनमें बच्चों को हम इसमें प्रशिक्षण देंगे। हरियाणा भजन के बाद ये यूनिवर्सिटी रसिया ग्रुप डांस के कलाकार जो हमारी लुप्त होती हुई तैयार रहें, इस भजन के पश्चात रसिया डांस की प्रस्तुति होगी। रसिया हो गए या बंचारी हो गया, क्या इस तरह की भी कोई यूनिवर्सिटी होगी जिनमें बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाए जिससे ये लुप्त ना हो जाए? ये जो विश्वविद्यालय पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से बना रहे हैं उसमें ये सारी विधाओं को ये छात्र शुभम भगवान परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र का कलाकार है और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दीजिए आपके सामने प्रस्तुत है हरियाणवी भजन कलाकार है भगवान परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र से समझौता हो नहीं पा रहा है। आज यूनियन ने दो दिन की और हड़ताल बढ़ा दी है। एक कह रहे हैं वो कि 150 संगठन इस पूरे हड़ताल में शामिल होंगे, तो क्या कहा पेश बच रहे? समझता हूँ कि आनंद लीजिए कर्मचारी होता है वो सरकार का हिस्सा होता है और मेरी उन सबसे अपील है कि आप मेज पर आइए, आमने सामने बैठिए, जो सरकार के सामर्थ्य में आपकी मांग पूरा करने का जो काम है वो करेंगे सभी और हड़ताल कर्मचारी का अधिकार है। सर मेज पर दो बार वार्ता हो चुकी है कर्मचारियों के साथ, लेकिन वार्ता सरकार कर्मचारी जो होता है वो सरकार का अंग होता है और वार्ता करने में कोई एक बार दो बार तीन बार, और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ घंटों में कर्मचारी नेता भी हमारी अपील पर विचार करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे।